मुरादाबाद शिवसेना द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में पुलवामा अटैक में हुए शहीदों की बरसी पर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि पुलवामा हमले की सीबीआई जाँच कराई जाए एवं पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी जवानों को शहीदी का दर्जा दिलाया जाए। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरेहा ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। ये हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच कराई जाए व सभी जवानों को शहीदी का दर्जा दिलाया जाए। भाई क्या नाम है आप? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, शिवसेना जिला प्रमुख मुरादाबाद। तुरेहा जी, आज 14 फरवरी है, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित ज्ञापन में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करते हैं। पुलवामा अटैक की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं और पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके विधवाओं को पेंशन दिए जाने की मांग करते हैं। आज वैलेंटाइन डे भी है, क्या शिवसेना द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम? नहीं, वैलेंटाइन डे का हमारे हाईकमान अनुसार ना ही समर्थन है ना ही विरोध है। किस तरह से देखते हैं वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे तो जैसे कि देखा जाए तो ये एक प्रेम का संदेश है, इसमें कोई विरोध या समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है और प्रेम का कोई दिन निश्चित नहीं होता है।